अब उठ भी जाओ। माँ आपको पहले उठाना चाहिए था। कितनी बार उठाऊं? फोन तुम्हारे पास ही था ना, वक्त पे कैसे उठोगी? सुबह तक तो फोन पर खेलती रहती हो। नहीं माँ, मैं रात को पढ़ाई कर रही थी, बहुत देर तक पढ़ रही थी इसलिए देर से उठी। आई बड़ी पढ़ने वाली, पता है मुझे कौन सी पढ़ाई कर रही थी? अब फोन रख। मैथ्स में 80 में से 50, फिजिक्स में 60 में से 38। मुझसे तो जबान लड़ाना ही मत। बड़ी आई, पढ़ाई करने की अगर इच्छा है तो सुबह उठकर पढ़ा कर। ऐसे मार्क्स आएंगे तो प्लस टू के बाद में तुम्हें कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? आज अगर पापा का फोन आया तो मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। गलती उनकी है, पढ़ाई के वक्त मोबाइल देकर उन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ा है। उन्हें क्या पता तुम कैसी पढ़ाई कर रही हो। सच में माँ, मैं सच में पढ़ाई कर रही थी। अभी स्कूल जाने की तैयारी करो। अरे बेटी, सुबह सुबह क्या है? रोमा रुकना, रोमा खाना खाकर जा। रोमा नहीं खाना।
मैम। हाँ बोलो। रेबेका स्टीफन को एक विजिटर है। रोमा स्टीफन। रोमा आज भी मम्मी से लड़कर आई हो? मैं कुछ भी करूं मम्मी मुझे डांटती है। मैं कुछ टाइम के लिए टीवी देखूं तब भी डांटती है, फेवरेट सॉन्ग सुनूं तब भी डांटती है, स्कूल से लेट जाऊं तब भी डांटती है। आज उठने में जरा सी देर क्या हो गई तब भी डांट दिया। रोज रोज उसकी डांट सुनकर थक गई हूँ मैं। कल की टिकट आपको चाहिए क्या? बच्चों लॉटरी चाहिए क्या? 10 करोड़ का टिकट है, आपको चाहिए? कारुनिया टिकट कल का है। प्लस टू में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा, तब जाकर मुझे आजादी मिलेगी। तुम्हारा टिफिन आज आमिना को दिया होता तो वो खा जाती। उसकी माँ मरने के बाद बेचारी को सब अकेले करना पड़ता है, नहीं तो अखिल को टिफिन दे देती। उसके भी पापा नहीं है ना, उसके घर में पूरा खाना भी नहीं होता। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि अगली बार लंच को डस्टबिन में डालने से पहले इन लोगों के बारे में सोच लेना, उनके लिए इसकी बहुत वैल्यू है। देर हो रही है। मम्मी इतने प्यार से टिफिन ले आई थी ना,
तुम्हें इसे डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए था। जब हॉस्टल जाओगी ना तब इसकी वैल्यू समझ में आएगी। रोमा, तुमने ही तो स्कूल में मैगजीन के अंदर खाना और बुखार के बारे में हिंदी में एक कहानी लिखी थी ना। माँ की बातें तुम्हें इतना चुभती हैं क्या? बहुत सुंदर लड़की है ना, ये मेनू कार्ड दे दे, तुम कुछ भी ऑर्डर कर। भी ऑर्डर करना, तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी ऑर्डर करना। हाँ कुछ भी चलेगा, ऑर्डर करो। हाँ इधर से कुछ अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा। हेलो लड़की, बहुत फर्स्ट क्लास है ना मनोज? बहुत अच्छी माल है। हाँ मिलेगा तो होटल में ले सकता है, रूम में ले लूंगा। चल चलते हैं। ठीक है चल। अरे यार मिस हो गया। बेटी को घर जाने में देर हो जाए तो माँ तो परेशान होती है। तुम जानती हो ना आजकल तो स्कर्ट थोड़ा ऊपर आए तो या ब्रा की स्ट्रैप दिख जाए तो सारे लोग बुरी नजर से देखने लगते हैं। आजकल के ऐसे जमाने में माँ बाप तो परवाह करते हैं ना। माँ को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, माँ सख्त होती है क्योंकि हमसे प्यार करती है। रोमा अगर हम गलती कर भी दे तब भी हम उनसे नहीं बताएंगे, हमारी उम्र ही कुछ ऐसी है, तुम समझ रही हो ना। और हमारी हरकतें भी तो वैसी है, माँ हमारा ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा, सही कहा ना। इस उम्र में माँ का ध्यान ज्यादा होना जरूरी है, भले ही चाहे उसकी बातें हमें इरिटेट करें। माँ के अच्छे इरादे तो हमें दिखाई भी नहीं देते, सब माएं ऐसी ही होती हैं। फोन मिलने के बाद में पढ़ाई में वैसे ही तुम्हारा ध्यान नहीं है। माँ ने क्या गलत कहा? तुम जब मेरे घर आई थी तब भी तुम फोन में ही बिजी थी। रोमा अगर तुम माँ से बात नहीं करोगी तो माँ कितनी अकेली पड़ जाएगी, सोचा है क्या? रोमा ये लो, पी लो बेटा, आज सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। तुम नाश्ता तो करके आई हो ना रोमा? तुमने नहीं खाया तो माँ ने भी कुछ नहीं खाया होगा, सब माएं एक जैसी होती हैं। आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ, तुम माँ से बात करना। ओके रोमा।
रोमा बेटा, माँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम क्यों घबरा रही हो? माँ है ना पास? कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सो जा बेटा। इट्स मी शिफा अहमद। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आज की मेरी कहानी है बस बस बस, अब मैं बोलूंगी। हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं? हम कहाँ रुके थे? आज हम एक छोटी बच्ची की कहानी सुनेंगे। बच्ची, हर बार तो एक हफ्ता रूठती हो, आज जल्दी गुस्सा खत्म हो गया। रोमा, माँ डांटती है तो बहुत गुस्सा आता है क्या? मुझे माफ करो माँ। फोन यूज करना कोई गलत बात नहीं है, पर हर काम के लिए एक वक्त होता है। पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। आजकल की बच्चियों के लिए फोन बहुत जरूरी है, ये बात हर माँ जानती है। पढ़ाई और सुरक्षा दोनों के लिए ये जरूरी है। अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, पर फायदे के साथ उसके नुकसान भी हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं और सुनते हैं वो सब सच नहीं होता, ये तुम जानती हो ना? जब तुम माँ से नाराज होती हो और उससे अवॉइड करती हो तो उससे सहन नहीं होता बेटा। माँ तुम्हें डांटती है तो माँ को भी उतना ही दर्द होता है बेटा।